राजधानी देहरादून में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार इस पर काम भी कर रही है। वहीं नगर निगम भी अब सख्त होने चला है। नगर निगम बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर वार्डों में सफाई अभियान चला रहा है, साथ ही वार्डों में फोगिंग भी कराई जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम ने घर घर जाकर लार्वा का निरीक्षण किया। लार्वा मिलने पर जुर्माना भी वसूला है। जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ अभी लगातार जो है हमारी वेलफेयर सोसाइटी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी स्वयं सहायता समूह, इनके साथ लगातार जो है नगर निगम संवाद कर रहा है और संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे अनुरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग, कल भी हम उनके साथ बैठे थे, परसों भी बैठे थे, उससे 3 दिन पहले फिर बैठे थे, लगातार उन पर एक एक दो दो दिन के बाद हम डेली बैठ रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि इसमें जनता जागरूक हो। हर घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लें, अपने घर की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं उठा लेंगे तो डेंगू को हम एक हफ्ते में जो है उसको नियंत्रित कर लेंगे। देखने में ये आ रहा है कि अधिकतर जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, हमारे घर हैं, हमारे घर के अंदर की जो टंकी है, हमारे जो कूलर हैं, हमारे जो गमले हैं, उनमें अधिकतर लार्वा मिल रहा है, क्योंकि नगर निगम की टीम जो घर घर जा रही है, फिर चालान भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो है, अगर मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक अगर अपनी जिम्मेदारी जो है जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभाएगा तो बहुत जल्दी जो है ये डेंगू पे हम नियंत्रित भी करेंगे और डेंगू देहरादून से क्या पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा तो बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा।